अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये जानकारी आपके पास में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हर तरीके की खबर आपको मिलने वाली है। और एक बंदे को इंडिया के अंदर गिरफ्तार किया गया है एयरपोर्ट पर, उसने क्या गलती करी थी वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी टाइम टाइम मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर अलग अलग तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में सिविल आईडी कार्ड है लेकिन फिर भी पकड़ा गया है। देखिए, आपको गलती ऐसी नहीं करनी है, और किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी काम करते हैं, अगर काम करते हुए नहीं पकड़े जाते हैं तो अपना रीज़न, अपना काम वही बताना है जो आपका काम है। अदरवाइज दूसरा बताएंगे तो आपको जाहिर सी बात है पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है नेशनल डे है, नेशनल डे पे जो है 25-26 को जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी सेंटर वगैरह किसी भी तरीके से हैं, समय छुट्टी रहेगी। और यहाँ पर नेशनल डे पे काफ़ी अच्छी जो है सजावट वगैरह, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट वगैरह किया जाएगा, तो आप इस चीज़ का अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो आप किसी भी एरिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप ज़रूर जो है घूमने फिरने निकल सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। सिक्योरिटी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा तैनात की गई है, और एक्स्ट्रा जगहों पर, मतलब जो जगह ज़्यादा पॉपुलेशन वाली, ज़्यादा भीड़ वाली हैं, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा जो है फोर्स को तैनात किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है छूट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है। जितने भी लोग जो कुवैती लोग हैं, अभी जो है नेशनल डे है, इस पर बहुत सारे लोगों को छोड़ा जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप एक प्रवासी हैं और उसकी तलाश में है कि भाई छूट कब आने वाली है, कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी आने वाले वक्त में हो सकता है रमजान के मौके पर या फिर ईद के मौके पर जो है आप जितने भी बाहर लोग रहते हैं, जेलों के अंदर जो है बंद है या फिर किसी भी तरीके से परेशान है किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है उन लोगों को छूट मिलने वाली है। हो सकता है रमजान के अंदर छूट मिल जाए। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी छूट के हवाले से। अब बात कर लेते हैं भाई, एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया में एक बंदे को पकड़ा गया है एयरपोर्ट पर, और ये बंदा यूएस से, मतलब यूरोप कंट्री से आ रहा था, और जिसमें कि बात कर लेते हैं इसके पास में अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो बैग में भरकर ये पैसे ला रहा था 8 करोड़ रुपए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 8 करोड़ रुपए जो था वो लेकर आ रहा था, और इस तरीके से कोई भी इसके पास में प्रूफ नहीं था भाई पैसा कहाँ से आया, क्या है, क्या नहीं है, और ये यूएसडी डॉलर के अंदर लेकर आ रहा था। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी अमाउंट आप इंडिया के अंदर लेकर आते हैं किसी भी तरीके से एयरपोर्ट के थ्रू कहीं से भी, तो आपको जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अपने हिसाब से देखिएगा, अगर आप नॉर्मली कहीं पर लॉटरी वगैरह कुछ ऐसा वगैरह हुआ है तो आपको पकड़ लिया जाएगा। पुख्ता प्रूफ लेकर आइएगा, इस तरीके से आप आएंगे तो आप जरूर जो है जाली में फंसेंगे और आपको सजा भी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।